जीत फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वायरल टेक फ्रेंड जीत फ्रेंड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पाई नेटवर्क की एक न्यू अपडेट शेयर करूँगा, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम लोग पाई के रिलेटेड वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यू अपडेट कौन सी है, तो फ्रेंड जैसे ही आप लोग पाई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इधर क्लिक करेंगे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा माइनेट, जैसे माइनेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग थोड़ा सा इधर वेट करना और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट, तो आप लोगों ने इधर क्लिक करना है। जैसे इधर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर लॉकअप सेटिंग नज़र आएगी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे गलती से आप लोगों ने लॉकअप ड्यूरेशन जो है 3 साल के लिए सिलेक्ट कर ली थी, तो अभी आप लोग इसको चेंज करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे 2 वीक के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है। यहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ 3 साल पर लगा होगा तो आप लोगों ने इसको इस तरह से यहाँ पर 2 वीक के ऊपर कर लेना है। तो जैसे इधर करेंगे आप लोगों ने नीचे यहाँ पर इनक्रीज़ कमिटमेंट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने टैप कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इधर टैप करेंगे तो आप लोगों की जो है यहाँ पे लॉकअप सेटिंग अपडेट लिखा आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग इस लॉकअप ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी न्यू अपडेट।